सर में तो खैर चल रही है क्रिसमस, और ईसाई लोगों की क्रिसमस है, उनको वो अपने त्यौहार अच्छे तरीके से मनाएं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन अगर हम भी इस वक्त पाकिस्तान में होते तो खा रहे होते निहारी पाए चने टपली कबाब और साथ में हलीम, लेकिन ये सब कुछ नहीं अवेलेबल। तो हम कर रहे हैं देसी नाश्ता। दानिश के लिए बना रही हूँ मैं ये टोस्ट नुटेला स्लाइस लगा के। दानिश है जरा जी मॉडर्न स्टाइल का बच्चा और मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल, इसलिए मैं खाऊंगी ये वाला मिचल्स का जैम स्लाइस के ऊपर लगा के। और बहुत से लोग जी कह रहे हैं आप ये रेटिंग के लिए कर रहे हैं। ओ भाई साहब और बहनों जी, रेटिंग के लिए कर रहे हैं? मेरा चैनल तो था ना, चैनल तो मैंने पहले से भी बनाया हुआ था। मेरी वो वीडियो वायरल होती है ना होती, वीडियो तो मैंने लगानी थी। अब अल्लाह का शुक्र है, पहले जहाँ मुझे 200-300 व्यू आते थे, अब मुझे 2-3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, ये तो इसमें तो अल्लाह का कमाल है। अल्लाह मियाँ चाहे जिस मर्जी को इज्जत दे और जिस मर्जी को ना दे। और अल्लाह का शुक्र है कि कोई, खैर अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी वीडियो भी नहीं है कि जिसके अंदर बहुत ही नाजेबा कोई हरकत हो रही है। एक नेचुरल फिनोमिना है और रोना सबको आता है। बस मेरे अंदर हिम्मत थी कि मैंने वो अपलोड कर दी, और वो मैंने किस तरह कर दी, और वो मैंने खुद की, वो भी मैंने स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई कि हाय वो अपलोड होगी और मुझे पता नहीं चाहिए। खैर मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया और मेरी मर्जी, क्योंकि दिस इज माय लाइफ। वन मोर थिंग कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी, आप मुझे पॉइंट नहीं कर सकते कि भाई ये मैं किसके लिए कर रही हूँ, रेटिंग के लिए कर रही हूँ। कम से कम इतने लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं उनको कोई पॉजिटिव मैसेज ही दूंगी कि फेसबुक पे और ये सब कुछ पे जो आपको नजर आता है ये रियल नहीं होता। जैसे आज की जी शादी चली, बहुत से लोगों ने देखा, मुझे भी क्लिप्स में नजर आए, मैंने ये डॉक्टर इरफान कैसे के क्लिप में देखा। और हम इस तरह की चीजों को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर वो यही शादी में वही सारा खर्चा चैरिटी में दे देती तो कितनी अच्छी बात होती। ये वीडियोस जो वायरल होती है सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही होती है, क्योंकि हम इन चीजों को खुद प्रमोट करते हैं, हम देखते हैं और हम आगे भी दिखाते हैं। और इस तरह जो हमारी घर पे रहने वाली लड़कियां हैं उनका दिमाग होगा खराब, क्योंकि जो भी है कहते हैं कंपनी का असर होता है। तो आजकल हमारी जो कंपनी है वो सोशल मीडिया ही है, और इस सोशल मीडिया की वजह से बहुत से घर भी खराब हो रहे हैं। क्योंकि जब बंदा इतनी ग्लैमराइज चीजों को देखता है, और अब वो तो बिल्कुल ही रियल लाइफ की चीजें होगी, तो दिल करता है हमारी शादी में भी ये सब कुछ हो। लेकिन अगर वो यही एग्जाम्पल सेट करते हैं, जो किसी ने गाड़ी पे अपनी बहुत बड़ी बारात निकाली तो किसी ने मेकअप में पूरी भरमार लगा दी कि मेरी अम्मी यहां से तैयार हो रही है, अब्बू वहां से तैयार हो रही है। खैर ये सबका हक है, लेकिन अगर हम इसी चीज को थोड़ी हल्के तरीके से दिखाते तो ज्यादा अच्छा होता, और ऑडियंस जो है मे भी उनके इतने व्यूज ना आते, लेकिन कम से कम हम एक एग्जाम्पल तो सेट कर पाते कि अगर हम शादी पे कम पैसे भी लगाएं तो भी शादी हो जाती है। शादी को बचाने का हुनर आना चाहिए, पैसे लगाने से शादियां कभी नहीं बचती। और उनके पास तो खैर YouTube की कमाई है जो अल्लाह मियां किसी किसी को ही देता है, क्योंकि YouTube और Facebook से कमाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जिसको फेम मिल जाए उसको उस फेम को एक अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, और सबको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता।